हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि MI1 के ऊपर FAQ रखने वाला हूँ अप्रैल का। तो दोस्तों, मैंने पिछले दिनों भी एक FAQ लाया था, उसमें बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स आया था उन लोगों का। ये कई सारे यूजर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ था। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे यानी कि वीडियो के नीचे, तो MI1 के रिलेटेड। तो मैं उनमें से एक रैंडमली जो कमेंट्स पिक किया हूँ, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप सभी को जानना जरूरी होता है। मैं पर्टिकुलर किसी को जाके कमेंट कर दूँ, ज़्यादातर मैं बैक देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो FAQ के थ्रू यानी फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको सबको सॉल्व कर दूँ थोड़ा बहुत कुछ आपके मन में अगर कोई डाउट है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके काम की बात है। तो MI1 के यूजर के लिए ये जो टॉपिक मैंने निकाला हूँ ये अप्रैल महीने के लिए है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, तो मेरे फोन में तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपको उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक जेन्युइन सवाल जो आता है MI1 का, कि इसमें एंड्रॉइड क्यू का अपडेट कब आएगा। ठीक है, कई सारे यूजर ऐसे सवाल करते रहते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी होता है कि हाँ, सही में इसमें एंड्रॉइड पाई का अपडेट तो आ गया है, अब क्यू भी आ जाए। तो दोस्तों, इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एंड्रॉइड जो MI1 है 3 साल ऑलरेडी होने को है, यानी कि उसका दिसंबर तक 3 साल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक उसने एंड्रॉइड पाई तक अपडेट दे दिया, इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। लोग तो फ्लैश करके TWRP के थ्रू आपके फोन में एंड्रॉइड क्यू अपडेट कर सकते हैं। MI1 में अब फरवरी का अपडेट और मार्च का अपडेट जो कंबाइन होकर आया था, इसके बाद अप्रैल का अपडेट कब आएगा। तो ये जो सवाल है ये काफी सबके मन में ही है, क्योंकि कई सारे बग लेके आया था, कई सारे प्रॉब्लम लेके आया था। मार्च का जो अपडेट आया था 348 समथिंग जो MB का अपडेट था, तो वो कुछ आपको ये प्रॉब्लम लेके आया था। अगर आप उम्मीद करते हो तो 25 तारीख तक, यानी कि मैं लगाता हूँ उम्मीद जो कि 25 तारीख तक अगर इनके साथ जाता है अपडेट तो बेटर है। दोस्तों, अप्रैल का अपडेट जो है ये अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब जनवरी का अपडेट आ गया तो हम लोग सब सोचने लगे थे कि हर महीने टाइम टू टाइम इसका अपडेट देगा, बट आप देखें फरवरी में आया नहीं, पूरे महीना निकाल दिया। मार्च को जो अपडेट आया वो भी बड़ा बेकार का अपडेट आया। तो अब जो है इंतजार कर रहे हैं, तो आप इंतजार कर सकते हो अप्रैल के लिए। तो आई थिंक आपको 25 तक दिखेगा, यानी 25 अप्रैल के बाद ही अपडेट देखने को मिल सकता है आपके फोन। यहाँ पर एक थर्ड वाला सवाल है, जो कि अगला सवाल जो है इसके अंदर पूछते हैं कि हमारे MI1 फोन के अंदर क्विक चार्जर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पिछले दिनों हमने कई सारे यूट्यूबर को देखे, उन्होंने भी क्विक चार्जर का रिव्यू दिया, बट अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे जानता हूँ, कि इसके अंदर क्विक चार्जर का सपोर्ट नहीं है। हाँ, आप इसके अंदर कोई एप्लीकेशन थ्रू करके लोगों को दिखा सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इसके अंदर क्विक चार्जर का सपोर्ट नहीं है MI1 फोन में। अगला क्वेश्चन जो है कि इसके अंदर क्या अप्रैल का जो अपडेट आएगा या मार्च का जो अपडेट आ गया, इसके बाद हमारे फोन में कैमरा टू पे इनेबल हो जाएगा या हो गया है। तो ये जो सवाल है इसके अगेंस्ट मैं बताता हूँ, ये कभी नहीं हुआ है ना आने वाले दिन में होगा। ये हो रहा था आपको ओरियो में, और यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी प्रपोज लेके तो उन्होंने कैमरा टू एपीआई को इनेबल करके दिए ही नहीं। तो आप लोग इसको कर सकते, कैमरा टू एपीआई इनेबल करने के लिए आप फोन को रूट करना पड़ेगा, फिर मैजिस के थ्रू आप वहाँ पे सुपरवाइजर इंस्टॉल करके कर सकते हो कैमरा टू एपीआई इनेबल। बट इसके लिए ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ऑफिशियली में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल और सबसे खतरनाक सवाल क्या है, कि भैया हम एंड्रॉइड 9 पर यूज नहीं करना चाहते, हमें ओरियो में वापस जाना है। तो कई सारे यूजर ऐसे सवाल करते रहते हैं आए दिन, क्योंकि जब मैं स्टॉक एंड्रॉइड में था और कस्टम रोम के बारे में बताया आप लोगों को, या उस बीच में कई सारे सवाल मेरे को आया, जो कि वीडियो के नीचे कमेंट्स आया कि भैया इसको हम एंड्रॉइड 9 पर ऐसे रिटर्न जाना चाहते हो, ओरियो में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियली उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया है कि आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। इनके से अगर डाउनग्रेड करते हो तो आपके फोन ब्रिक हो सकता है, यानी कि आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछले दिनों एक दो रोम ऐसे इंस्टॉल करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि MIUI का एक रोम जो है वो 8.1 में ही रन करता है। उसको अगर कुछ यूजर ने मेरे को रिपोर्ट दिया कि इसको अगर फ्लैश करते हैं, मैंने फ्लैश नहीं किया था, मेरे पास रखा हुआ था रोम, बट वो मैंने फ्लैश नहीं किया था आज, मतलब कुछ और शेड्यूल था उसके चलते मैं थोड़ा लेट हो गया था उसको फ्लैश करना है। तो सबने कहा था अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा मार्केट से जो पता किया तो उनका रिफंड है कि इसके चलते सिम जो है यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो रोम इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि वो डाउनग्रेड वाले रोम में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और नॉर्मली अगर स्टॉक में आप जाते हो ओरियो में तो आपका नेटवर्क खत्म होना ही होना है।
तो ये गलती मत करना, जो है जैसा है उसी में खुश रहो, ये आपके लिए भला है। अगर फोन को खराब करना है तो वो कर सकते हो। कई सारे यूजर रिपोर्ट करते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमारे फोन में वोल्टी जो कि शो नहीं कर रहा है, या हम 4G सिम यूज नहीं कर पा रहे हैं, या खास करके जियो सिम। तो मैं हमको उन बताता हूँ कि आप अपने नेटवर्क के अंदर जाके सेटिंग जो होगा ऑटोमेटिक उसको मैनुअल सेटअप करके एक बार रिस्टार्ट करके फिर ऑन करिए, तो देखना जरूर आपके फोन के अंदर आपका जो वोल्टी है चल जाएगा। और सिम 1 में आपको जियो सिम रखना जरूरी है। अगर आप सिम 2 में रख रहे हो तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट अभी वो इशू नहीं है क्योंकि डुअल 4G या वोल्टी सपोर्ट करने लगा है MI 1, जो कि HD वोल्टी अगर नहीं आ रहा होगा, HD लिख के आ रहा होगा, तो आप समझ जाइए आपका जो कि आपका 4G सिम चल जाएगा उसमें। और कई सारे सवाल ऐसे आते रहते हैं कि इसके अंदर जो मार्च का अपडेट आया तो इसके अंदर वॉल्यूम जो है काफी डाउन हो चुका है, तो कॉल वॉल्यूम खास करके। तो दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उस पर ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई सारे यूजर है जो कि रिपोर्ट कर रखे हैं Xiaomi को, तो हो सकता है इसके अंदर जो अप्रैल का अपडेट आए इसके अंदर आपको उसके अंदर सॉल्व दिखता है। साउंड जो है ऑडियो क्वालिटी ज्यादा है जो कि वॉल्यूम बढ़ गया है। कई सारे यूजर जो कि रिपोर्ट करते हैं कि फोन ज्यादातर Android 9 Pie के बाद जो आपने अपडेट किया है तो उसके बाद काफी हैंगिंग होने लगता है। छोटा सा टिप्स मैं दूंगा, फोन के डाटा सब आप बैकअप लीजिए, या फोन के डाटा अगर ज्यादा नेसेसरी है तो उसका रख लीजिए कहीं स्टोर करके, आप फिर उसके फोन को हार्ड रिसेट कर लीजिए। हार्ड रिसेट करने से आपके फोन पूरे नए जैसे हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा उसके अंदर। हाँ, बट आपके फोन पूरे क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, उसके अंदर सारे चीज आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बार ट्राई करना हार्ड रिसेट। तो वो कैसे करते हैं मैं इसके लिए वीडियो भी बना रखा हूँ, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, थोड़ा नीचे चेक करेंगे, मेरे जितने सारे प्लेलिस्ट है सब उसके अंदर पड़ा हुआ, तो उसके अंदर आप MI 1 के अंदर क्लिक करके चले जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा हार्ड रिसेट कैसे करते हैं। दोस्तों आज का सबसे लास्ट सवाल है जो कि मैंने देखा हूँ कि कई सारे यूजर सोच रहे हैं कि इसके अंदर फॉन्ट क्यों नहीं चेंज होता है, फॉन्ट कब तक चेंज होता रहेगा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपको इसके अंदर नई नई चीजें फॉन्ट्स देखना है, कई सारे इनके नोटिफिकेशन बार के लाइट बंद करना है, कई सारी चीजें आपको डेवलप करना है, तो फोन को रूट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप रूट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बट आपके लिए बस यही था कि उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आया है। अगर जब तक आप रूट नहीं करते हो फोन को, ये वाला फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगा। बस आज इतना ही था, और वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और आने वाले टाइम में अगर नेक्स्ट कोई जो बनाऊंगा इस टाइप के वीडियो, तो आपका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि कई सारे यूजर ऐसे हैं अगर किसी का नाम लिया कोई बुरा मान जाए। तो ये इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसी यानी कि कुछ सवाल कलेक्ट करता हूँ कि पूरे महीने भर जो भी मेरे दिमाग में आता है तो उसको उठा के फिर मैं उसी के ऊपर एक ही बार बता देता हूँ, ताकि वीडियो देख के कई सारे लोग समझ जाए या टिप्स को पा सके। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, अगर आप एक लाइक कर दोगे तो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और खास करके कई सारे जो यूट्यूबर है तो MI 1 के ऊपर वीडियो बनाना आई थिंक बंद कर दिया है, बट मेरे साथ ही ये चलता रहेगा, मेरा और भी साथ में कुछ और वीडियो बनेगा, बट MI 1 के ऊपर पूरा फुल 100% वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बस मिलूंगा एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।